बेजापुरी स्पोर्टिंग क्लब 2022 के फुटबॉल के महाकुंभ में सब दिल को छुआ है। प्रत्येक मैच में उसका आप गोल देखेंगे और दो खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में अनिल किस्कू के साथ संयुक्त रूप से टॉप स्कोरर बन रहे हैं, आपको ये समझ आ ही गया है। और वो है उमेश पाटिल सम्मानित करेंगे। कृपया करके सामने आ जाएंगे। इस गोल कीपर के लिए कृपया करके अनिता टुडू पटना बिहार हमारे कार्यकारिणी सदस्य अर्जुन सिंह जी के हाथों से इस समय प्राइज रिसीव करती हुई बहुत बहुत धन्यवाद। आप मैं बुलाना चाहूंगा वुमेन्स मैन ऑफ दी सीरीज और उसमें बेस्ट प्लेयर जो चुनी गई है वो है तानिया कांति जर्सी नंबर 13 और पटना बिहार के जर्सी नंबर 13 को मैन ऑफ द सीरीज का प्राइज देने के लिए मैं आग्रह करूंगा कार्यकारिणी सदस्य बजरंग सोनी के स्पोर्टिंग क्लब के क्लिक करण दीजिए। उनके सुपुत्र से कृपया करके इस खिलाड़ी के लिए ताली होना चाहिए। प्रत्येक मैच में शानदार गोल और जिस तरह से मैच खेली है इस खिलाड़ी ने दिखाती है कि इस खिलाड़ी के अंदर कितना ज्यादा प्रतिभा है। मैं उसके लिए टीम के मैनेजर संजीव जी को बहुत 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 धन्यवाद और बधाई देता हूँ। संजीव मावरी जी के देखरेख में ये टीम जो आई है और संजीव मावरी जी वो शख्स है जिसने बहुत सारे प्लेयर को नेशनल में भी अपने खिलाड़ियों को सिलेक्ट कर पाए हैं। उसके लिए कृपया करके ताली होना चाहिए संजीव मावरी जी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए और मैं चाहूंगा वुमेन्स सेकंड प्राइज वुमेन्स का सेकंड प्राइज एफसी गोंडा टीम के कैप्टन या टीम मैनेजर टीम के कैप्टन आप ही सामने आएंगे और इस प्राइज को देने के लिए मैं आग्रह करूंगा बजरंग सोनी स्पोर्टिंग क्लब के हमारे सेक्रेटरी महोदय रमेश मुर्मू जी उनके हाथों से। कृपया करके ताले होना चाहिए वुमेन्स सेकंड प्राइज एफसी गोंडा जो कि इस साल लड़कियों के टीम में ये दूसरे पायदान पर रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद टीम मैनेजर जगेश सिंह को और टीम के कैप्टन को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए गर्ल्स टीम के जो विनर टीम है उसको मैं बुलाना चाहूंगा और इस वर्ष के विनर टीम है उनके सब आइए जितने भी ड्रेस में है सब आइए और साथ में टीम मैनेजर आप भी आइए आइए सभी आइए। कृपया करके आप लोग सामने आ जाए और तुषार जी एक बात कहना चाहेंगे कि सबसे बड़ी खासियत इस साल का रहा है 2022 का कि पटना से चलकर यानी बिहार की टीम यहाँ शामिल हुई है महिला टीम यानी बालिकाओं का टीम पहले यहाँ लोकल थी लेकिन दूसरी राज्य से यहाँ आए इसलिए एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें ताकि इनका हौसला हो बिहार पटना के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए बॉयज का मेंस फुटबॉल मैच का जो इंडिविजुअल प्राइज है उसके और आपको मैं लिए जाना चाहूंगा और बजरंग सोनी स्पोर्टिंग क्लब इस टूर्नामेंट के बॉयज में मैन ऑफ द मैच कृपया करके आप लोग तालियां बजाने के लिए तैयार हो जाए क्योंकि उस खिलाड़ी ने जो कारनामा दिखाया है मैं समझता हूँ लंबे समय तक उस खिलाड़ी को याद किया जाएगा। और इस वर्ष के मैन ऑफ द मैच है महावीर खिलाड़ी और इस प्राइज को देने के लिए मैं अनुरोध करूंगा हमारे बजरंग सोनी स्पोर्टिंग क्लब के सचेतक निकोलस मुर्मू जी। कृपया करके जोरों की ताली होना चाहिए। क्या खेल दिखाया है महावीर हमरा ने पूरे
दो। अब मैं अनुरोध करूंगा वाइस कैटेगरी में बेस्ट गोलकीपर ऑफ टूर्नामेंट और इस बार के बेस्ट गोलकीपर चुने गए हैं जो इसलिए पूरे टूर्नामेंट में सबसे बेहतरीन टीम जी सबसे बेहतरीन पिच बचाओ और सबसे जोखिम का टीम के लिए योगदान दिया है और वो है बेस्ट गोलकीपर ऑफ टूर्नामेंट सचिन मुरंडी है और इस मैच को देने के लिए मैं आग्रह करूंगा हमारे पंजाब सोरेन स्पोर्टिंग क्लब के हमारे वाइस प्रेसिडेंट उपाध्यक्ष फ्रांसिस सोरेन जी उनके शुभागत से गोलकीपर कृपया करके सामने आ जाएंगे। टीम के कैप्टन आपका जिम्मेदारी बनता है कृपया करके आप प्राइज रिसीव करने के लिए सामने आ जाएंगे। सचिन मुरंडी बेस्ट गोलकीपर ऑफ टूर्नामेंट एएफसी गड्डा। इस गोलकीपर के लिए तालियां होना चाहिए, ऐसा लग रहा था कि इस खिलाड़ी के अंदर स्प्रिंग सेट किया हुआ है। जोरों से तालियां सचिन मुरंडी को सम्मानित करते हुए हमारे क्लब के उपाध्यक्ष फ्रांसिस सोरेन जी बहुत बहुत धन्यवाद और आपको शुभकामनाएं। और उस खिलाड़ी का नाम मैं पुकारने जा रहा हूं जिस खिलाड़ी ने इस बजाज सोरेन स्पोर्टिंग क्लब 2022 के फुटबॉल के महाकुंभ में सबका दिल को छुआ है। प्रत्येक मैच में उसका आप गोल देखेंगे और वो खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में अनिल किस्कू के साथ संयुक्त रूप से टॉप स्कोरर बन रहे हैं, आपको ये समझ आ ही गया है। और वो है उमेश पाटिल टीम के लिए भी नहीं बोल रहा है और इस प्राइज को देने के लिए मैं आग्रह करूंगा हमारे बजाज सोरेन स्पोर्टिंग क्लब काठीगरी के हमारे संयोजक बेनेडिक्ट अमरम जी उनके सुझावों से कृपया करके जोरों से तालियां होना चाहिए हमारे बेनेडिक्ट के लिए और इस खिलाड़ी के लिए। क्या खेल दिखाया है उमेश मुरंडी ने, सबसे दिल को छुआ है और ऐसे खिलाड़ी जिस तरीके का प्रदर्शन किया है इस खिलाड़ी ने सबके दिल को झकझोरने वाला काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद उमेश जी आपको बेस्ट ऑफ लक आगे के लिए। आप हमारे बॉयज कैटेगरी में जो दो टीम सेमीफाइनल तक अपना जगह को क्वालिफाई किए थे और उसमें से है कॉन्सोलेशन प्राइज के लिए वाई एस सी गड्डा टीम के मैनेजर कृपया करके आप सामने आ जाएंगे। टीम के कैप्टन चौथे प्राइज के लिए सामने आ जाएंगे वाईएससी गड्डा और इस प्राइज को देने के लिए मैं आग्रह करूंगा हमारे मंच पर विराजमान मुख्य प्रतिनिधि सूरज मुरंडी जी। वाईएससी गड्डा के टीम के कैप्टन कृपया करके सामने आ जाए। टीम के कैप्टन राजेंद्र जी आ गए हैं, बहुत बेहतरीन खेला है वाईएससी गड्डा की टीम और सेमीफाइनल में आगे सामना करना पड़ा है लेकिन बहुत सुंदर खेल दिखा है वाईएससी गड्डा की टीम ने। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे मुख्य प्रतिनिधि सूरज मरंडी जी उनको सम्मानित करते हुए। 60,000 रुपए का यहाँ पर प्राइज दिया जा रहा है चौथे स्थान पर। इसके बाद उसी तरह से तीसरे स्थान में भी 60,000 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा और इस साल के तीसरे स्थान में मुर्मू ब्रदर्स दुमका के टीम के मैनेजर कृपया करके सामने आ जाए। और मुर्मू ब्रदर्स दुमका के टीम मैनेजर आ चुके हैं और इस प्राइज को देने के लिए मैं गुजारिश करूंगा बजाज सोरेन स्पोर्टिंग क्लब के हमारे उप सचिव कमलेश शरण जी उनके सुझावों से। और 60,000 रुपए का नगद पुरस्कार इस समय ग्रहण करते हुए मुर्मू ब्रदर्स दुमका तीसरे स्थान के लिए और प्राइज देते हुए कमलेश चंद्र जी हमारे मुख्य सचिव महोदय। इसके बाद बजाज सोरेन स्पोर्टिंग क्लब के इस एनुअल फुटबॉल चैंपियनशिप के रनर अप टीम जो इस साल दूसरे स्थान पर रहे हैं और उन सबको 2,00,000 रुपए से सम्मानित किया जाएगा और इस प्राइज को देने का शुभ काम करेंगे हमारे मंच पर विराजमान हमारे अति विशिष्ट हमारे विधायक पड़े हाथ के हमारे श्री प्रदीप यादव के शुभ से और इस साल के सेकंड प्राइज
सामने आ जाए जितने भी ड्रेस में है, आइए। और इस प्लान को देने के लिए हमारे हम सबसे शहर में विधायक श्री प्रदीप मंडल यहाँ पर, प्रदीप यादव जी विधायक पूरे यहाँ, और इन लोगों को 2 लाख का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। मैं दर्शकों से गुजारिश करूंगा तालियों पे कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए। इन सभी खिलाड़ियों ने बेहतरीन यहाँ पर खेल दिखाया है, थोड़ा सा तैयार होना चाहिए। सेकंड प्राइज पंजाब सोलंगी स्पोर्टिंग क्लब के इस चैंपियनशिप में सेकंड स्थान पर एएफसी गोड्डा, इस वर्ष को बहुत बहुत धन्यवाद। और पूरे टीम मंडली को मैं आने वाले समय के लिए आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। और इस वर्ष का जो चैंपियन प्राइज बजरंग सोरेन स्पोर्टिंग क्लब फुटबॉल चैंपियनशिप के चैंपियन और इस वर्ष के चैंपियन बने हैं टुडू ब्रदर्स की बूटी को चाहिए। और इस प्राइज को देने के लिए मैं आग्रह करूंगा हमारे बीच में आज के मुख्य अतिथि, मैं सभी चाहूंगा सभी आप लोग खड़े हो जाए। आज के हमारे मुख्य अतिथि झारखंड विधानसभा अध्यक्ष श्री रविंदर महतो जी, उनके शुभ हाथों से यहाँ पर 3 लाख का यहाँ पर नगद पुरस्कार दिया जाएगा। कृपया करके जोड़ों के तले होना चाहिए। टुडू ब्रदर एफसी खुदी खुला काल दो पंजाब सोलन स्पोर्टिंग क्लब 2022 के चैंपियन इस समय विनर प्राइज ग्रहण करते हुए आज के हमारे मुख्य अतिथि के शुभ हाथों से बैठ करने का सारा सहयोग मानिए बच्चों ने और पहली प्राइज अपने नासा मानव पिड़ा रूप में सभी मीडिया के बंदों से गुजारिश होगा इस फोटो को आप लोग कवरेज कर लीजिए क्योंकि ये ऐतिहासिक क्षण है, ऐतिहासिक पल है और ये पल बार बार आएगा नहीं। हमारे मुख्य अतिथि झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र नाथ महतो जी को शुभ हाथों से टुडू ब्रदर्स एफसी बुद्धिकोला कांदो की टीम 3 लाख का यह नगद पुरस्कार ग्रहण करते हुए एक बार फिर से प्राइज वितरण का कार्यक्रम बजरंग सोरेन स्पोर्टिंग क्लब 2022 का यह चैंपियनशिप का प्राइज वितरण का कार्यक्रम यहीं पे संपन्न होता है। सभी को एक बार फिर से हमारे बजरंग सोरेन स्पोर्टिंग क्लब की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बेनेडिक्ट दास से आग्रह करूंगा आज के हमारे अतिथियों को, आज के हमारे सभी सम्मानित पदाधिकारियों को धन्यवाद ज्ञापन के लिए। बेनेडिक्ट दास कृपया करके आप धन्यवाद ज्ञापन स्वरूप में चाहूंगा हमारे बेनेडिक्ट दास माइक्रो